फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेके एसएसबी की तरफ से आई एक इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जेके एसएसबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया था, नोटिफिकेशन नंबर 3rd ऑफ 2021। इसमें आप देख सकते थे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की आपको वैकेंसीज देखने को मिली थी। फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में आपकी 280 पोस्ट थी। उसके बाद बात करें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो उसमें 200 वैकेंसीज थी। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इसमें 4 वैकेंसीज थी। और उसके साथ अगर हम बात करें जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर की, जहाँ पे 19 पोस्ट थी और टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज थी वो 503 थी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्म जो स्टार्ट हुए थे वो 20 जून से स्टार्ट हुए थे और उसकी जो लास्ट डेट थी वो 20 जुलाई थी। तो आज की गुड न्यूज़ ये है कि इसकी जो डेट है जेके एसएसबी ने एक्सटेंड कर दी है। तो मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहाँ पे जो आया है, एक्सटेंशन इन लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूटी डिविजनल डिस्ट्रिक्ट कैडर पोस्ट फॉर वेरियस कैटेगरीज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट इशूड बाई नोटिफिकेशन नंबर 3rd ऑफ 2021। तो मैं आपको बता दूँ, जिन कैंडिडेट ने अभी तक नोटिफिकेशन नंबर 3rd ऑफ 2021 के अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया, उनके लिए गुड न्यूज़ है, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो उसकी जो डेट है वो क्या रहने वाली है, इसमें मैं बात करूँगा। उसके साथ अगर हम बात करें वेयर एज अ जे एंड के सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर 3rd ऑफ 2021 की बात करें, इनवाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन जहाँ पे फिल हुई थी, प्रोसेस जो था यूटी लेवल की पोस्ट थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी। और उसके बाद आप जहाँ पे सीखते डिफरेंट डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसीज थी। उसके बाद अगर हम बात करें जो ऑनलाइन पोर्टल जो था, ऑनलाइन पोर्टल फॉर रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट हैज़ बीन एक्टिवेटेड, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, 20 जून से ये एक्टिवेट हुआ और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 20 जुलाई थी। उसके बाद जम्मू एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने नंबर ऑफ जो रिप्रेजेंटेशन थी कैंडिडेट की तरफ से आई, ताकि उनका यही एक डिमांड थी कि सर इसकी जो डेट एक्सटेंड की जाए फॉर एक्सटेंशन इन द लास्ट डेट फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद अगर हम देखें तो जहाँ पे द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड, मैटर को एग्जामिन किया गया बोर्ड के द्वारा, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू एक्सटेंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट एडवर्टीज बाई अफोरमेंशन एडवर्टीज नोटिफिकेशन नंबर 3rd ऑफ 2021। तो इसके अकॉर्डिंगली जब ये रिप्रेजेंटेशन बच्चों की जाती है, कैंडिडेट्स की जाती है, उसके बाद जेके एसएसबी ने डिसाइड किया कि हम इसकी डेट को एक्सटेंड करेंगे। अब देखिए, मैं आपको बता दूं जहाँ पे नो देयरफॉर इन द लाइट ऑफ द अबव द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस पोस्ट एडवर्टीज बाइड एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 3rd ऑफ 2021, जहाँ पे अब इसकी जो डेट रहेगी वो 31st ऑफ जुलाई रहेगी, यानी कि 31st ऑफ जुलाई तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और उसकी पहले जो लास्ट डेट थी वो 20th ऑफ जुलाई थी। इसके साथ मैं आपको बता दूं, जो आपके पास लास्ट ऑप्शन होगा इसके बाद आपकी डेट एक्सटेंड नहीं होगी, जो आपके पास लास्ट चांस होगा। देखिए, मैं आपको जहाँ पे बता दूं, दिस इज़ द लास्ट फाइनल एक्सटेंशन फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स एंड देर आफ्टर नो मोर रिक्वेस्ट इन दिस रिकॉर्ड शैल बी इंटरटेन्ड। तो जहाँ पे जेके एसएसबी की तरफ से जो ऑर्डर निकाला गया उसमें ये चीज़ साफ लिखी हुई है कि जी आपकी लास्ट एक्सटेंशन होगी, इसके बाद जेके एसएसबी इस नोटिफिकेशन के रिकॉर्डिंग, यानी कि 3rd ऑफ 2021 के रिकॉर्डिंग, जहाँ पे इसकी कोई भी डेट जो है, अगर हम उसको बताएं कि इसकी डेट कोई अब दोबारा एक्सटेंड नहीं की जाएगी, तो आपके पास 31 जुलाई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें 500+ वैकेंसीज हैं। तो ये था आज का हमारी अपडेट जेके एसएसबी की तरफ से जो आई थी। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।